सब दोस्तों को मेरा दिनयारस चहल का नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। तो आज मैं एक ऐसे जोक की बात कर रहा हूँ जो कि अक्सर मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमें कोई ऐसा तिल्ला बताइए जो कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अच्छे परिणाम भी देता हो और बनाने में भी आसान हो। तो फार्मेसियों के जो तिल्ले बने बनाए लिंग पर लगाने हेतु आते हैं उनका इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता, और जो काफ़ी तिल्ले ऐसे हैं जिनका बनाने की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल है। तो एक ऐसा तिल्ला आपको आसान बनाने में, जिसके गढ़ कदरबे आपको आसानी से मिल जाएं, ऐसा एक आयुर्वेद का तोहफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो आप बार बार कमेंट में ये सवाल मत करें कि इसे लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, मोटाई कितनी बढ़ जाएगी, इन बातों का कोई जो है आधार नहीं है, आधारहीन बातें हैं ये। क्योंकि लंबाई और मोटाई हर आदमी की प्रकृति पर निर्भर है। तो अगर आपकी उम्र 27-28 से कम है तो इससे लंबाई में भी अंतर आता है और मोटाई में भी अंतर आता है। बाकी अगर आप सूझवान हैं, समझदार हैं, अगर आपके जो है शरीर में कड़कपन है, जान है, और आपको कोई अन्य समस्या नहीं है, तो लंबाई और मोटाई का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है जितना आप अपने दिमाग में इसको बिठा लेते हो। तो ये दिमाग से भ्रांतियाँ दूर करने के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। और जो नीली नसें वगैरह हो जाती हैं लिंग पे, हस्तमैथुन की वजह से कमज़ोर हो जाता है, उत्तेजना की कमी हो जाती है, उसमें ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा आसान बनाने में आसान और ऐसे ज़बरदस्त रिजल्ट वाला तिल्ले का जोग आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। चाहे तो आप सारी YouTube खंगाल लें, किसी में पारा है, किसी में संखिया है, किसी में भेड़ का दूध है, किसी में मुर्गी के अंडे हैं, वो बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने एक बहुत ही आसान योग है जो मैंने अपने क्लिनिक पे काफ़ी बार तैयार भी किया है और इसके अच्छे रिजल्ट भी लिए हैं। तो बस आपसे निवेदन यही है कि आप इसको बनाएं और इसके अच्छे रिजल्ट लें। जो वैद्य मित्र हैं वो तो इसको इकट्ठा बना के रख लें 5-4 किलो अपने क्लिनिक पे। तो मैं ये आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तिल्ले के इस्तेमाल से जिस भी रोगी को आप इसका इस्तेमाल कराएंगे, आपको जस मिलेगा। आपको कभी भी ऐसी जो है बात नहीं देखने को मिलेगी कि पेशेंट को, रोगी को रिजल्ट ना मिला हो, लिंग में कड़कपन ना आया हो, नीली नसें खत्म ना हुई हो, और जो भी वीकनेस है अंग की, गुप्तांग की जो भी वीकनेस है वो दूर ना हुई हो। तो ऐसी बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो वैद्य मित्र देख रहे हैं मेरे चैनल से, काफ़ी वैद्य मित्र जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये एक बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा तोहफा है। तो सबसे पहले इसके लिए आपने क्या लेना है, अश्वगंधा की ताज़ा जड़ लेनी है आपने। ध्यान रहे कि अगर जड़ ना मिले तो ही आप पंसार से सूखा अश्वगंधा लें, कोशिश करें कि आपको जड़ मिल जाए। और दूसरा, अश्वगंधा की जड़ लेनी है आपने 200 ग्राम, दूसरा आपने अरिंड की जड़ लेनी है 200 ग्राम। तो ये दोनों चीज़ें आपने हरी लेनी है, सूखी नहीं लेनी। अगर हरी ना मिले तो सूखी लेंगे अगर तो दुगनी मात्रा में लीजिए, बस इतना ख्याल रखिए। अगर आपको हरी ना मिले, ये चीज़ें खेतों में ना मिलें, तो पंसार से लेंगे तो इससे दुगनी मात्रा में लीजिए। और तीसरा आपने लोध पठानी,
लोध पठानी आपने लेना है 400 ग्राम, 400 ग्राम लोध पठानी लेना है, और 100 ग्राम आपने लेनी है फटकड़ी। लोध पठानी तो आपको पंसार से ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे उसकी खेती वगैरह हमारे यहाँ नहीं होती। तो लोध पठानी 400 ग्राम और फटकड़ी 100 ग्राम। फटकड़ी को शुद्ध वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्यों की त्यों उसको अच्छी तरीके से ब्रीक कर लें। अश्वगंधा की जड़ और अरंड की जड़ को बिल्कुल कूट के चटनी की तरह बना लें। उसको किसी मिक्सी में ग्राइंडर में मत कूटिए, उसको हमाम दस्ते में या जिस कुंडे में हम चटनी वगैरह बनाते हैं आमतौर पे घरों में, ऐसे कुंडे में, पत्थर वाले कुंडे में उसको बिल्कुल बारीक चटनी की तरह बना लीजिए। अब इस सारे जोग को आप रात को भिगो के रख दें, अश्वगंधा, अरिंड की जड़, लोध पठानी और फटकड़ी, फटकड़ी बिल्कुल बारीक की हुई हो, तो इसको पूरी रात भिगो के रख दें। पूरी रात भगोने के बाद सुबह आपने क्या करना है, इसको किसी कढ़ाही में 16 किलो पानी डाल के इसका काढ़ा बनाना है। सभी वैद्य मित्र जानते हैं कि काढ़ा कैसे बनता है, फिर भी जो नए मित्र हैं या जो खुद बनाना चाहते हैं भाई, वो अपना कैसे तैयार करें, उनके लिए मैं काढ़ा बता देता हूँ कि अगर आपने 16 किलो पानी लिया है तो उसको रात को 16 किलो पानी में भिगो के सुबह उसको मंद आग पे पकाएं आप। मंद आग पे पकाना है आपने, और जब आपका काढ़ा जो पानी है वो 4 किलो रह जाए, तो उसमें से जो अश्वगंधा और अरंड की जड़ के जो टुकड़े हैं, लोध पठानी के जो टुकड़े हैं, जो आपने जौ कुट किया था, उनको अलग निकाल दें जब 4 किलो पानी रह जाए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 1 किलो उसी काढ़े में वो चीज़ें अलग से निकाल के उसको छान के उसमें 1 किलो तिल का तेल डाल लें। तिल का तेल डालने के बाद उसको दोबारा से हल्की हल्की मंद मंद आग पर पकाना शुरू कर दें। समय काफ़ी लगेगा आपको, जैसे 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 पानी जलता जाएगा सिर्फ तिल का तेल ही बचेगा आपके पास, और उन दवाइयों का जो असर है वो तिल के तेल में आ जाएगा, यानी वो तिल का तेल आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर आप उसको पुण के छान के संभाल के रख लें, और फिर उसका प्रयोग जैसे हम आमतौर पे तिलों का प्रयोग करते हैं, चार पांच बूंदें लेके हल्के हाथ से आगे की सुपारी को छोड़कर ऐसे नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ अपने गुप्तांग पे, दोनों अंडकोशों पे और रीढ़ की हड्डी पे भी उसकी मालिश करें। रात को सोते समय उसकी मालिश करें, और ठंडे पानी का बस परहेज रखना है, ठंडा पानी गुप्तांग पे नहीं लगने देना है। तो पट्टी वगैरह जो कई वैद्य मित्र बता देते हैं कि पान के पत्ते की पट्टी बांधो, कच्चे सूत की पट्टी बांधो, उसके झंझट में पड़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसी से आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं। बस मेरा तो यही मकसद है, यही मकसद मैं लेके चला हूँ कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाएँ, और सब दोस्त ऐसे योग खुद बनाएं ताकि आयुर्वेद के जो फायदे हैं वो सब तक पहुँच सकें। और ऐसे योग अगर आप खुद बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, तो आपको इसके परिणामों का भी पता चल जाएगा कि कैसे परिणाम मिलते हैं। जब हम बने बनाए कोई तेल ले लेते हैं, मार्केट में बहुत से तिल ले आते हैं, तो उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो आप ये तिल्ला अपने हाथ से बनाएं, जो वैद्य मित्र हैं वो भी बनाएं। अगर किसी को कोई बनाने में दिक्कत आती है तो वो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी को पता है, स्क्रीन पर भी मैं वीडियो के स्क्रीन पर भी चलाता रहता हूँ। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें, अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें। कॉल का जो समय है वो 9 से 5 का है। तो ऐसे नए नए योग मैं आपके लिए इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। अतः आपसे यही निवेदन है कि आप ये जो तिल्ला है, अश्वगंधा, अरंड की जड़ और तिल तेल वगैरह का, इसको बनाएं और इसका लाभ लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा ये योग।
तो कमेंट में मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे योग, आसान योग, सस्ते योग आपके लिए इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकूं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।